सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किसे अमीर खुसरो की रचना नहीं माना जाता है? ए तारीख ए अलाई, बी नूह सिपिहर, सी मिफ्ता उल फुतुह, डी तूती नामा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी तूती नामा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अमीर खुसरो एक कवि और इतिहासकार थे जिन्हें भारत के सबसे महान फारसी भाषा के कवियों में से एक माना जाता है। उन्हें कव्वाली यानी भारतीय सूफियों का भक्ति संगीत का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भोरोत्तोलन महासंघ यानी IWF का मुख्यालय कहाँ है? ए हंगरी, बी केन्या, सी स्पेन, डी स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी स्विट्जरलैंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय भोरोत्तोलन महासंघ जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है एक स्थायी गैर लाभकारी संगठन है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल आमतौर पर कितने वर्ष में आयोजित किए जाते हैं? ए दो वर्ष, बी चार वर्ष, सी छह वर्ष, डी आठ वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी चार वर्ष। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओलंपिक खेल आमतौर पर हर चार साल में आयोजित किए जाते हैं। चार साल की अवधि में हर दो साल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के बीच बारी बारी से आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, गुरु विपिन सिंह इनमें से किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? ए कथक, बी ओडिसी, सी मणिपुरी, डी कथकली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मणिपुरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मणिपुरी एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में हुई थी। यह अपने मृदु लयबद्ध गतिविधियों, हाथ और पैरों के सुंदर हाव भाव के लिए जाना जाता है। गुरु विपिन सिंह एक प्रसिद्ध मणिपुरी नर्तक, कोरियोग्राफर और शिक्षक थे जिन्होंने इस नृत्य परंपरा के संरक्षण एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 की सही अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ए 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023, बी 30 अप्रैल 2022 से 1 मार्च 2023, सी 30 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 या डी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 की सही अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक है। इस अवधि के दौरान व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित आय वित्तीय वर्ष के दायरे में आती है। यह समझना आवश्यक है कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों ने 2022 FIVA वॉलीबॉल वीमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी की? ए पोलैंड और स्लोवेनिया, बी पोलैंड और नीदरलैंड, सी बेलारूस और स्लोवेनिया, डी लिथुआनिया और पोलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पोलैंड और नीदरलैंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 2022 FIVA वॉलीबॉल वीमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी नीदरलैंड और पोलैंड ने संयुक्त रूप से की। यह इस प्रतिष्ठित आयोजन का 19वां मंचन था जहां विभिन्न देशों की वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय टीमों ने प्रतिस्पर्धा की। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में श्रीलंका की जनसंख्या का घनत्व कितना था? ए 554 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 354 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या डी 364 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 354 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में श्रीलंका का जनसंख्या घनत्व 354 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यह देश के भूमि क्षेत्र के भीतर अपेक्षाकृत उच्च जनसंख्या घनत्व को इंगित करता है जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में संसाधनों और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों एवं अवसरों को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो शुरू किया था? ए भिखाजी कामा, बी लक्ष्मी सहगल, सी सरोजनी नायडू, डी उषा मेहता।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उषा मेहता। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उषा मेहता ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो शुरू किया था। गुप्त रेडियो स्टेशन, जिसे कांग्रेस रेडियो के रूप में जाना जाता है, मुंबई में विभिन्न स्थानों से गुप्त रूप से संचालित होता था और भारत छोड़ो आंदोलन की भावना को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस 2021 कब मनाया गया? ए 1 अक्टूबर, बी 3 अक्टूबर, सी 4 अक्टूबर या डी 2 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1 अक्टूबर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वृद्धजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में नामित किया। यह दिन वृद्धजनों या बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे उम्र बढ़ने, सेवानिवृत्ति और मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतिम प्रश्न है, मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1917, बी 1915, सी 1925, डी 1910। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1915। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1925 में कथित मुस्लिम कट्टरवाद और मुस्लिम लीग द्वारा एक पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी। मुस्लिम लीग की बढ़ती राजनीतिक मांगों के समक्ष हिंदू हितों की रक्षा और प्रचार के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय एवं लाला लाजपत राय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? ए अनुच्छेद 138, बी अनुच्छेद 135, सी अनुच्छेद 136 या डी अनुच्छेद 137। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। Thank you.